सो अज की तुहाडी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्सियत दे नाल करवाउन जा रहे हाँ, जिन्हां नूं कि तुसीं बहुत सारे पंजाबी गाणियां, पंजाबी फिल्मां, इत्थों तक कि बॉलीवुड दीआं फिल्मां दे विच वी ऐसा विलन भूमिका निभाउंदे होए वेख्या होवेगा। पर अचानक जैजी लाहौरिया की जिंदगी रुख बदलती है ते जैजी लाहौरिया बन जांदे ने जगजीवन सिंह खालसा। हिंदी मूवीज़, पंजाबी भी कोई 15-17 मूवीज़ गुरु पातशाह ने कराइया। उतों अचानक ऐसा मोड़ा वजा कि मैनू प्रोफेसनल रैसलिंग की दुनिया भी गुरु पातशाह लै गए। जो कलर्स ते रिंका किंग आता सी शो, मैं कमिश्नर सी। जदों टिब्बी साहब असी गड्डी मोड़ी है तो महापुरख बाहर रड़े मैदान ठंड च बैठे पुंजे बोरी विछा के, तो मैं हैरान सानू जांदियां नूं ही जाके नमस्कार करके असीं सामने बैठ गए उन्हां दे। जदों बैठ गए तो महापुरख मैनू पैंदे ही कहिंदे मेरे इत्थे इत्थे देख के, मेरे इधर मस्तकल देख के कहिंदे सिंघा मुड़िया। मैं कहा जी मुड़िया नहीं जांदा। फिर उन्हां कहा केसाधारी हो जा। मैं कहा जी मैं हुण विलन करैक्टर करदा सीगा जिस तरह भी औखा मेरे वास्ते। आउंदिया फिर मैनू सरपंच साहब ने कहा वा कहिंदे जीवन सिंह भाई जिस तरह निका नाम मेरा जीवन सिंह कह देंदे आम जीवन सिंह, ये महापुरख किस तरह मानते नहीं दे भी तू केस रख या किस तरह भी ते मेरे वाले वेख्या भी नहीं ना तू केस रख ला। मैं कहा ना जी ना, मैनू कोई 1,00,000 रुपया दे मैं ताना रखा। जदों महापुरखों के चरण परसिया महापुरखों ने मैनू कुछ कहा पर मैनू समझ नहीं आई। मैं तो शुद्ध बुद्धि खो बैठा ही उस टाइम, मन च जिस तरह विराग जहाँ अखा च पानी सी। मेरे महापुरखों ने कहा वड्डे महापुरखों को अरदास करायो। उत्थे ही फिर बाबा गजन सिंह जी महापुरखों ने फिर अरदास की सी जी। उत्थे उन्हें अरदास की सिंघा जगारे छड़ते अज तो बाद सिंह केस कतल नहीं कराऊगा। करा बेनती महाराज मेरे तो केस भी है नहीं सिर ते, दुमाला किदा चलाया करांगे। वो आंदे भी जिन्ना महापुरख अरदास की आपे केस भी आ जाने या कुछ नहीं कृपा, तो अज सारे देख लो भी गुरु पातशाह की कृपा ना सारे केस भी आ। बाणी ते बाणा ये दो खंभ ने, जे अडारियां मारनियां जे पंछी बनना तो फिर तो दोवें खंभ ही जिहड़े आ ना ये तैनू जिहड़े आ ये लाउणे पैणे आ भी बाणा ते बाणी। कल्ली बाणी बहुत कृपा करती पर जो बाणा ना जी बाणे नाल ते इक आनंद ही वखरा वा। किते गुरबाणी दा पल्ला फड़ के वेखदे सही सुणियो, गुरु पातशाह तुहाडे सारे कार्ज ना रास करन, ना आप जी दे अंग संग आउण ते दास नूं कह दिओ जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਭਰਾ ਮਰ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਪੜਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਬਦਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਲਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜੈਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੱਖ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜੈਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਠ ਪੁਤਲੀਆਂ, ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਨੇ ਐਸਾ ਮੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ
फिल्मों के जिस तरह पहली वाघा फिल्म सी मेरी वो डायरैक्टर साहब मिले, उस तो बाद करते करते भोजपुरी हरियाणवी हिंदी मूवीज़ पंजाबी भी कोई 15-17 मूवीज़ गुरु पातशाह ने कराइया। उतों अचानक ऐसा मोड़ा वजा कि मैनू प्रोफेसनल रैसलिंग की दुनिया भी गुरु पातशाह लै गए। जो कलर्स ते रिंका किंग आता शो मैं कमिश्नर सी, सरदार हरभजन सिंह जी अपने क्रिकेटर साढ़े गुडविल ब्रांड अंबैसडर से जी, उत्थे भी काफ़ी गुरु पातशाह ने चलो रंग तमाशे दिखाए। वक्त जिहड़ा बदलदे आ कुछ पता नहीं लगता जी, कोई गुरु पातशाह ने ऐसा चोज रचाया। मैं बॉम्बे तो आया सी जी, ते मेरे वाइफ जॉब करते गवर्नमेंट इंप्लाई, वो रिटायरमेंट ले ली उन्हें जी हुण थोड़े दिन तो दसंबर च असी रिटायरमेंट लै ली है जी। उदों जलंधर उन्हां दी पोस्टिंग सी, जलंधर ही रिहायश सी जी, इत्थे इस तरह सी रहिंदे। वो अचानक ही वाइफ ते थोड़ी सट लगन करके सानू जंडियाला गुरु आना पै गया। इत्थे जंडियाला गुरु आए ते मेरे एक दोस्त ने जी बाबा दर्शन सिंह जी बुत्तां दे सरपंच, मैं उन्हां नूं मिलन गया ते उन्हां नाल असी धन धन शहीद बाबा नौत सिंह जी समाधा अमृतसर तो तरन तारण साहब रोड ते है जी, असी उत्थे मत्था टेकन गए। उत्थों ही बस जिस तरह मन दे विच खिच जी पैनी, मैं रोजाना ही भजया करना मत्था टेकन। उत्थों ही असी विसाख दूजा माघी दे वेले ते मुक्तसर साहब मैं ते सरपंच साहब असी चल गए। उत्थे महापुरख संत बाबा गुरदेव सिंह जी शहीदी बाग आनंदपुर साहब वाले बाबा जी, वो ऐसे महापुरख ने जी, बस उन्हां दा नाम लैंदिया ही एक मूँह च मिठास बन गई है जी। ते क्या बात है जी, बस उन्होंने तो जिस तरह ना बस महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दे चरणां दी प्रीति बख्शन गुरु पातशाह, वो देखो जी हर एक नूं गुरु साहब दे लड़ लाउंदे ने जी, ऐसे महापुरख ने। उत्थे उन्हां नाल जोड़ मेला आया जी बचन, मैं तुहानूं विस्तार च दस दिंदा जी। असीं घर दस के नहीं सी गए ते मैनू दर्शन सिंह होनी कहिंदे सरपंच साहब भी टिब्बी साहब महापुरखां दे दर्शन मेले करके फिर वापस जाने आ। ठंड उदन बहुत ज़्यादा सी ते मेरे मन दे विच इह आ भी महापुरख किते ठंडी जगह बैठे होने आ, अपना ना ठंड बहुत गर्म जगह बैठे होने किते, ते पता नहीं लेट ना हो जाण ते इधर असीं वापस दस के नहीं आए। उदन एक अमृतसर विआह भी सीगा, पर जदों टिब्बी साहब असीं गड्डी मोड़ी आ ते महापुरख बाहर रड़े मैदान ठंड च बैठे पुंजे बोरी विछा के, ते मैं हैरान, सानू जांदियां नूं ही जाके नमस्कार करके असीं सामने बैठ गए उन्हां दे। जदों बैठ गए ते महापुरख मैनू पैंदे ही कहिंदे मेरे इत्थे इत्थे देख के, मेरे इधर मस्तकल देख के कहिंदे सिंघा मुड़िया। मैं कहा जी मुड़िया नहीं जांदा। फिर उन्हां कहा केसाधारी हो जा। मैं कहा जी मैं हुण विलन करैक्टर करदा सीगा जिस तरह भी औखा मेरे वास्ते। तीजा बचन उन्हां फिर कीता कहिंदे वापस आ जा चंगा रहेगा ते शहीद सिंघां दी जाया कर। मैं कहा जी सत बचन, सत बचन मन च क्या उन्होंने, मैं उन्होंने कोई बचन नहीं किया, मत्था टेक के असी वापस आ गए। आउंदिया फिर मैनू सरपंच साहब ने कहा वा कहिंदे जीवन सिंह भी जिस तरह निका नाम मेरा जीवन सिंह कह देंदे आम जीवन सिंह, ये महापुरख किस रवानते नहीं देते भी तू केस रख या किस तरह भी मेरे वाले तो वेख्या भी नहीं ना तू केस रख ला। मैं कहा ना जी ना, मैनू कोई लख रुपया दे मैं ताना रखा, असी वापस आ गए हैं। तिना चौं दिनों बाद ही ऐसी खेड वरताई गुरु पातशाह ने। बाबा जी का एक मित्र सीगा वह भी साधु ही है जी, वो मिल लाए बाबा जी के, उन्होंने जोड़ मेला बनया। असी समाधे बाबा नौत सिंह जी गए, उत्थे जांदियां नूं महापुरख बाबा गुरदेव सिंह जी शहीदी बाग वाले ते मिसल शहीदा तरना दल के मुखी सिंह साहब बाबा गजन सिंह जी महापुरख, होर सिंह सी नाल बाबा जोगा सिंह जी समाधे वाले ते होर सिंह भी सारे उत्थे सी उस टाइम जाके, ते असी गड्डी ला के जदों महापुरखां दे चरण परसिया। महापुरखां ने मैनू कुछ कहा पर मैनू समझ नहीं आई, मैं तो सुध बुद्धि खो बैठा ही उस टाइम, मन च जिस तरह विराग जिहा आउंदा अखां च पानी सी मेरे। महापुरखां ने कहा वड्डे महापुरखां को अरदास करायो, उत्थे ही फिर बाबा गजन सिंह जी महापुरखां ने फिर अरदास की सी जी, उत्थे उन्हां अरदास की सिंघां जगारे छड़ते अज तो बाद सिंह केस कतल नहीं कराऊगा। बस उत्थों ही जो गुरु पातशाह ने कृपा कर दी जी केस रख ले, थोड़े चिर बाद ही फिर जदों
थोड़े केस थोड़े वड्डे होए ते ऐसी महाराज ने कला वरताई। फिर खंडे बाटे दी पौल बाबा बकाला साहब तो साढ़े मिसल शहीदा तरना दल का जरा हैडक्वाटर बाबा बकाला साहब आ उत्थे मस्या दी मस्या अमृत संचार हुंदा है जी। उत्थों गुरु पातशाह ने कृपा की उत्थों महापुरखों के चरण परसे आ महापुरख बैठे से बाबा गुरदेव सिंह जी भी तो बाबा गजन सिंह जी भी सरोवर के कंढे इन्हों का आशीर्वाद लैके वापस आए हैं। तो वो मन के पता नहीं की खेड बनी है बस वो पंजा पैर क्या है मैं पजामा पाउन लगा सिंह दलाली ना पा एडी छेती पाउन लग पाया भी बाणी तो बाणा ये दो खंभ ने जे अडारियां मारनिया जे पंछी बनना तो फिर तो दोवें खंभ ही जेडे आ ना ये तेन जे लाने पैने भी बाणा तो बाणी कल बाणी बहुत कृपा करती पर जो बाणा ना जी बाणे नाल तो एक आनंद ही वखरा वा कला बाणा भी वो खेड नहीं बनती जो बाणी तो बाणा दो खंभा बनती है। फिर करना तो गुरु पातशाह ने सीगा असी तरन तारण साहब बाणा सवा के तो रात 12 बजे मैं आए हैं वापस। फिर मेरे सिर च केस नहीं सी हैगे तो मैं उदा ही सिर पर परना बन छड़दा सीगा जदों बाबा जोगा सिंह जी अपना मिसल चीदा तरना दल साडे ने समाधा बाबा नौ सिंह जी उत्थे सेवा करते हैं वो उन्होंने अपने हाथों नाल मेरे जी दमाला चलाया सीगा ते चंद तोड़ा इहनू चंद तोड़ा कहिंदे जिहड़ा लाईदा ना आपां सिंह लाउंदे ने ये उन्होंने अपने हाथों नाल चलाया सीगा। और जिहड़ा मैं अज आ चंद लाया ना जी आ चंद तोड़ा ये बाबा जी ने लैके दिता सी बाबा जोगा सिंह जी ने उन्होंने यही चंद तोड़ा मेरे चलाया सीगा। आ कुदरती आ थोड़े दिन हो उस दिन एक मैं फोटो भी पाई सी उस दमाले की जिहड़ा बाबा जी ने हाथों चलाया सीगा ते वो बस ऐसा चलाया। मैं करा बेनती महाराज मेरे तो केस भी है नहीं सिर ते दमाला किदा चलाया करांगे आंदे भी जिन्ना महापुरख अरदास की आपे केस भी आ जाने कुछ नहीं कृपा तो अज सारे देख लो भी गुरु पातशाह की कृपा ना सारे केस भी आनंद बजे आज जिंदगी असली जिंदगी जी मैं तो कहांगा कि जो सादगी जो महाराज आ बाणा है तो पता नहीं मेरे किहड़े पुरबले कर्म अगे आ गए जिहड़ा गुरु पातशाह जी ने बाणा बख्शिया ते बाणी भी गुरु पातशाह जी के हाथ चरणा च बेनती सच्चे पातशाह भी खुले गफे बख्शो। खालसा जी दूजा सवाल मेरा ये आ कि जब तुसी जैजी लाहौरिया के रूप के अज तुसी जगजीवन सिंह खालसा के रूप के हो किस रूप में लोगों वालों जो है ज़्यादा प्यार जब तुसी दुनिया के विचरते हो किस रूप में ज़्यादा प्यार जो लोगों वालों तुहानू लगता कि तुहानू मिलिया? वाहेगुरु जी प्यार वाहगुरु जी इस तरह के जिस इंसान ने प्यार करना होंदा वो रूप सरूप नहीं देखता उन्होंने कुदरती हर इंसान ने अपना लगाव होंदा। उदों जदों फिल्म लाइन च सीगे उदों दूजे रूप सीगे लोकी उदों क्योंकि मैं विलन कैरेक्टर ज़्यादा करता सीगा ते नेचर दी है कि मेरी गेटअप भी उदों दी घूंघाट टाइप होएगी सिर तो बाउल मूछा रखी मैं उस तरीके नाल सीगा। उदों भी दोस्त मित्र काफ़ी करते सीगे पर साडे ना माता जी ने मैनू उदों भी कहना तू जलाद लगदा है भी तू करके मैं कई बार ना बड़ा मन च सोचना भी ये वेख लो भी एक ना जगजीवन सिंह पर जिहड़ा चेहरा मोहरा वाकया ही मैं कई बार ध्यान ना वेखना भी वो वाकया लुक मैं दिसनी भी हों वाकया चलो क्योंकि विलन का जिहड़ा मन दे हुंदा ना करैक्टर करन लग्या कि मैं वाकया ही मेरा काम इन्ना खुंखार हो गया लोग मैनू गाला कढ़न मेरे काम नू देख के भी किस तरह हुंदा ना। पर एक मैं दसदा कि विलन जिहड़े आ इन्ने ज़्यादा दिल दे माड़े नहीं हुंदे ये सिर्फ परदे उत्ते जदों आपां एक्टिंग करते हाँ तो उदो थोड़ा जिहा सानू शो करना पैंदा। बाबा जी उस रूप में भी बड़ी गुरु पातशाह ने कृपा की सी बहुत प्यार सीगा सारिआं दा पर जिहड़ा जदों सतगुरां ने एक कृपा तरीकी करके अपना मेहर भरिया सिर पर रखिया तो दास दे उस रूप तो यह आ सरूप बख्शिया जी इहनू रूप नहीं कहांगे सरूप आ गुरु पातशाह जी का यह नीला बाणा बाबा फतेह सिंह जी वो लैके आए थे सतखंड चो जो उन्होंने लिया तो उन्होंने अपने सिंघां नूं बख्शिया वा जी अकाली फौजा ने अंग सिंह फौजा ने बाबा फतेह सिंह जी का ये जथे ने जी ये जिहड़ा ये अकाली बाणा जिहड़ा ना जी ये गुरु पातशाह जी की बहुत वड्डी बख्शिश है जी बहुत वड्डी देन आ मैनू गरीब लोग कहिंदे जानना जी ये सत्कार दे बाणे नूं आ जी इंसान नूं नहीं हुंदा ये सत्कार बाणे दा वा जी जे कोई भी मिलता वा तो मैं मैनू गरीब लोग कहिंदे मैं तो एक मैं दर्शकों के चरणों से बेनती भी करनी चाहुंदा जी
दास नूं गुरु पातशाह जी ने तरस करके बाणा कोई करीब 5 साल पहलों बख्शता सी जी। दास अपना बड़ा वधिया जिंदगी दे खुशी लैण डे सां, दल पंथ जाना, महापुरखां दा आशीर्वाद लैणा, उत्थे भी अपना जिन्ना चिर अपना कारगर करते हैं, आप जिंदगी दे करते हैं, हर इंसान करता ही है जी। ते पर पिछले कुछ समय तो मेरे दोस्त ने जी सुरिंदर साहबी जी अमृतसर तो वो आए, मैंने कहते जी आप इंटरव्यू करनी, मैं क्या बाबे रहन दो, महा जान छुट्टी मेरी हूँ जिंदगी का आनंद लैन दिया, मैं नहीं इंटरव्यू करनी ना, मैं अगे आना वा। उन्होंने वचन किए भी जे तुहानू देख के कोई नवे लड़के जड़े आ गुरसिखी वाल प्रेरित होंगे तुम, फिर मैं क्या ये गल तुहाडी ठीक है। फिर मैं महापुरख बाबा जोगा सिंह जी को आशीर्वाद लिया, मैं कहा बाबा जी भी किस तरह मैं, वो कहते कोई नहीं बाणी तुसी कर सकते जे। वो इंटरव्यू की तो मैं बेनती की जी जे कि मेरी इंटरव्यू देख के एक भी सिंह दाड़ा केस रख लेगा या खंडे बाटे की पहुँच छक लेगा तो मेरी इंटरव्यू जी सार्थक होएगी, सफल होएगी। पर गुरु पातशाह ने ऐसा चोज रचाया जी, मैंने बड़े ही मैसेज आए, कई नंबर मंगे, मैं नंबर दिते, तो बड़िया दोस्तों ने फोटो भी भेजिया अपन पहलियाँ तो होने वाली, क्या देखो जी असी केस रख ले भी आ मैनू देख के गरीब न, वो बड़ा ना मन उत्साह पैदा होया। उस तो बाद होर भी काफ़ी इंटरव्यूज हुई ने, उन्होंने भी मैनू ना मैं अज भी वीर जी उन्होंने एक वजन कर रहा है कि जोड़ा देखो मेरा बाणा जो गुरु पातशाह ने बख्शिया वा, वो जिदा महापुरखों की कृपा के नाल उन्होंने अपने जिस तरह कह सकते कि झोले जो कढ़ के मैंने बख्शिया जी महाराज, अपनी कमाई मैंने दे के गरीब नूं चरणा नाल लाया वा, भी यो वचन मैं हर इंटरव्यू च करदा वा भी ये वार वार करन दे नाल कि ते इहदे नहीं लोकी बोर होणगे आखणगे कि इक्को गल ते वार वार करी जांदा, इक्को गल वार वार मैं होर मैं की करां। ते बड़ी वधिया गल कीती इन्होंने, कहिंदे जी हर एक चैनल दे अपने अपने जिहड़े आ दर्शक हुंदे ने, ते जो आ कोई गल नहीं, जिहड़े दूजे चैनल दे दर्शक वो वेख लैंदे ने, साडे वाले सानू वेखणगे, ते तुसीं वचन करो। मैं कहा जी 7 वचन फिर मेरे मन नूं थोड़ा हौसला जिहा गया, नहीं ते मैं सोचदा सी कि वार वार घट्टो घट्ट 8, 9 ते 10 ही इंटरव्यूज हुई तो वार बार मैं रिपीट करके ना एको गल मैं थोड़ा महसूस हो रहा है कि लोग कह कि वार बार वो बोली जा रहा वार बार, क्योंकि जो सिंचाई तो बोली सिंचाई है ना वाहगुरु जी, तो मन दे विच एक खुशी भी होंगी आ कि जदों दास नूं देख के कई नवे बच्चे जड़े आ वो केसाधारी होंगे ने, वो सिंह सजते हैं, तो बड़ा मन में सुकून मिलता। तो मेरी मैं एक होर बेनती करदा जी, दास इंटरव्यू जो देता है ये कोई इस वास्ते नहीं दे रहा कि मैनू काम की लोड़ है या मैं फिर अपने आप को जिस तरह पहलों से ना फिल्म लाइन के डिमांड फेम वास्ते उदो इंसान हों कि एक्टिंग लाइन से कि मैनू लोग जानन, मैनू वो खेड नहीं हैगी जी हुण कि मैनू लोग जानन, मैं गरीब है कद जोगा, मैं तो चरणा दास हाँ जी, मैनू सिर्फ यही है कि जेकर दास नूं एक आ गुरु पातशाह जी का बाणा देख के आ सरूप देख के जेकर नवे बच्चे जिहड़े सिखां दे बच्चे ने जिन्हां केस कतल कराए ने या सिक्की तो मुनकर होए ने, जेकर दास नूं देख के वो केसाधारी हो के खंडे बाटे की पौल छक के तैयार बर तैयार सिंह सजदे ते दास नूं बहुत खुशी होएगी। सो मेरे वीरियो, छोटे वीरियो, मेरे बच्चियो, मेरी आप जी के चरणों च बेनती है कि 2-3 कार्ज कर लो तो जिंदगी आनंद ही आनंद है, माँ बाप के उन्हां दी सेवा भी करो तो आग्याकार भी रहो, नशे पते नूं त्याग के गुरबाणी दे लड़ जरूर लगो, केसाधारी होके सिंह सजो, जिन्हां तो गुरु पातशाह ने बाणा बख्शना उन्हां नूं बख्शी देना वा। पर एक बेनती करदा वा कि मेरी गल मन के तुसीं कदे जपजी साहिब दे चौपाई साहिब तो शुरुआत करके देखो तो सही, तुसीं ना रोजाना सवेरे उठ के जपजी साहिब करके ना तो फिर कार्ज वास्ते तुर पो, तो फिर मेरे नाल गल करियो, मैं नंबर भी दे दाँगा जे तुहाडा कोई अड़ गया कह दिओ। जपजी साहिब ते कुंजी आ बाबे, हर जिंदरे की कुंजी आ, गुरबाणी दे लड़ लगो, सच्चे पातशाह आप जीओ चढ़दियां कला पक्षियां केसा धारी होके सिंह सजो, तैयार पर तैयार गुरबाणी दे लड़ लगो। मैं गुरबाणी बारे अगे कोई सवाल ही नहीं ज़्यादा, जिस तरह वो दोस्त करते सीगे कि मैं विस्थार दे विच कह नहीं सकिया कि गुरबाणी दे लड़ लगो, मैं यही कहिंदा सीगा कि जिस तरह गुरसिखी विच आओ, पर अज बड़ा बड़ा खुशगवार माहौल बनया वा, तो कल परसों मैं इंटरव्यू सी बहुत काली काली बोलना पिया मैनू, क्योंकि वो 2-3 सी, भाजी जल्दी करदे हां,
ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਰਾਸ ਕਰਨ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦਾ ਫੌਲ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਤਿਆਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਸ਼ੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਬਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਵੇਖਵੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਰ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ